हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम सिंपल रेसिपी बनाने जा रहा है और मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, ये देख रहा है ना आप लोग। सो गाइस, मैं अभी बनाएगा सिंपल रेसिपी ऑफ पोर्क एंड थारून। तो अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, सो तेल डाल दिया मैंने। तो उसको थोड़ा हीट करने के बाद मैंने वो अनियन डाल दिया, उसके बाद उसको फ्राई करेगा। ऑनियन भी अभी रेडी हो गया, तो आप मसाला देगा, चिल्ली गार्लिक जिंजर ग्राइंड करके रखा था ना, उसको दे दिया मैंने। वो जिंजर गार्लिक ये सब ना अच्छे से वो रेडी हो गया, तो अभी डाल देगा थारून। अभी मैं देगा नमक, उसके बाद देगा हल्दी येलो पाउडर। येलो पाउडर देने के बाद ना अच्छे से कवर करके रखेगा, नहीं तो वो फ्राई करने से स्मेल आएगा उसका, थर्मल पाउडर का, इसलिए कवर करके रखा है मैंने। और दूसरी तरफ मैं अभी बनाइएगा पोर्क और पोटैटो बनाइएगा। तो अभी जला दिया फायर, उसके बाद मैं कढ़ाई भी डाल दिया। अभी कढ़ाई गर्म हो गया तो तेल भी डाल दिया मैंने। तेल अभी पूरा हीट हो गया तो अनियन दे दिया मैंने, उसके बाद उसको थोड़ा फ्राई करेगा। फ्राई करने के बाद मैं देगा वो जिंजर गार्लिक चिल्ली और जीरा ये सब पेस्ट करके रखा था ना, उसको दे दिया मैं। अभी उसको थोड़ा फ्राई करेगा, उसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद उसका कलर चेंज हो गया। तो अभी मैं देगा पोर्क, अभी मैं देगा नमक, उसके बाद मैं देगा हल्दी और दूसरा मसाला नहीं देगा क्योंकि पहले ही दे दिया ना अनियन फ्राई करने के बाद, सो मैंने पेस्ट करके रखा था। तो अभी कवर करके रखिएगा उसको थोड़ी देर, और फ्लेम को थोड़ा बड़ा करके रखिएगा। और दूसरी तरफ देखती है कैसा हो गया है वो थारून जो, तो उसको फ्राई करेगा मैं थारून को। हल्दी देने के बाद उसको फ्राई नहीं किया है ना, तो उसको अच्छे से फ्राई करके लेगा मैं। तो गैस वो थारून जो अच्छे से रेडी हो गया है, मीन्स उसका जो आता आता रहता है ना थारून में, वो भी सब चला गया है। तो अभी मैं दे देगा पानी, जितना पानी चाहिए थारून में तो उतना मैं दे देगा मेरे हिसाब से। आप लोग भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं थारून बनाने के टाइम में। तो मैंने जितना पानी चाहिए उतना दे दिया पानी को, आप लोग देख सकते हैं मैं कितना पानी दिया है। पानी डालने के बाद उसको कवर करके रखा है मैंने, और दूसरी तरफ वो पोर्क फ्राई किया था ना उसको देखेगा मैं, तो कैसा हो गया है वो। तो गाइस, मैं एक बात बोलेगा आप लोगों को, वो जब भी चिकन मीट ये सब बनाते हैं ना, वो समय में अच्छे से फ्राई करना चाहिए। धूप था सावन आने से वो मीट अच्छा होता है, तो मैंने अच्छे से उसको फ्राई किया। उसके बाद मैंने पोटैटो डाल दिया अभी, और थोड़ी देर बाद उसको फ्राई करेगा। वो आलू का भी आता आता होता है ना, उसको पूरा अच्छे से सुखाना है तभी अच्छा होता है मीट ना, तो उसको कवर करके रखेगा फ्यू मिनट्स। आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छे से फ्राई किया है पोटैटो और पोर्क को, तो पानी भी डाल दिया अभी मैं, जितना पानी चाहिए उतना अकॉर्डिंग टू पोटैटो और पोर्क के लिए पानी दे दिया, और मैं उसको कवर करके रखेगा अच्छे से। और
और दूसरी तरफ वो तारुण ना अच्छे से उबल रहा है, मीन्स इट्स बॉइलिंग नाइसली। और पोटैटो एंड पोर्क भी अच्छे से उबल रहा है, तो उसको मैं फिर से कवर करके रखेगा जब तक वो पानी ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक मैं उसको कवर करके रखेगा। और दूसरी तरफ उधर भी थारून उबल रहा है, तो मैं उसको पोर्क को डाल देती हूँ क्योंकि वो उबल रहा है ना अच्छे से, तो मैंने पोर्क भी डाल दिया और उसको तो गैस फिर से मैं देखती हूँ पोटैटो और पोर्क कैसा हो गया है। तो मैंने देखा पोटैटो और पोर्क का पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं कोरिएंडर लीव्स दे देती हूँ उसमें और उसके बाद इसको कवर करके रखिएगा फ्यू मिनट्स के लिए। आप लोग देखते जाओ उसका कलर चलर सब अच्छा से आ रहा है ना दोस्तों, तो कवर करके रखिएगा फ्यू मिनट्स। और दूसरी तरफ पोर्क एंड थारून भी अच्छे से उबल रहा है, तो मैं उसको अच्छे से उबलने देगा। तो गैस मेरा पोटैटो एंड पोर्क रेसिपी अच्छे से रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ मेरा थारून एंड पोर्क भी ऑलमोस्ट रेडी। तो मैंने अभी कोरिएंडर लीव्स दे दिया। सो गाइस मेरा थारून एंड पोर्क रेसिपी रेडी हो गया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। बाय बाय।